गायत्री अनुष्का, यहाँ पे ना एक सेशन चल रहा है अभी इन लोगों का ना, केटी एक अच्छा हेलो मनी एप्लीकेशन का एक केटी चल रहा है, सो यू गाइस कैन बी पार्ट ऑफ इट एंड राइट हियर इट आउट। यस सर। ओके, आई थिंक नाइजल किसी और का वेट करने की जरूरत है और यू वांट टू स्टार्ट? स्टार्ट कर सकते हैं दीपक, और कोई नहीं चाहिए ना, मतलब और भी इसको सुनना मिथिलेश ही है? मिसिंग है, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट सूर्य छुट करते चुका है क्योंकि आज। हैं। केटी का डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया था पीयूष के साथ, इनको इनको भी मिला है क्या, गायत्री और अनुष्का को? नहीं मिला होगा इनको शायद, इनको ना तुम लोग आगे से कोई भी फंक्शनल केटी हो तो इनको इन्वॉल्व कर लेना, फंक्शनल आर्किटेक्चर लेवल का। दे ऑल आर सिस्टम एनालिस्ट ना, ये बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट रोल में है। ओके, मैं फॉरवर्ड करता हूँ। नाइजल इधर गायत्री ओडिसी में हो तो? गायत्री यस सर। ओडिसी में हो? नहीं घर पे हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नाइजल शेयर करोगे कुछ स्क्रीन या क्या होगा? हाँ, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ ये डॉक्यूमेंट है जो मैंने पीयूष के साथ शेयर किया था उस दिन, इसका इसको ही रेफर करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने लिए हेलो मनी, लाइक अपने आपसा में तीन डिजिटल चैनल्स है, जिसमें से एक अपना हेलो मनी है, जो पहले SHM बोलते थे, अभी हेलो मनी हो गया। ठीक है, एक है इंट्रोडक्शन। एप्लीकेशन डिटेल्स, ठीक है, ये USSD बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो अपन यूज़ करते हैं, जैसे कि अपन पहले करते थे ना, रिचार्ज जब भी अपन फ्री फीचर फ़ोन यूज़ करके भी कर सकते थे, किसी भी मोबाइल का रिचार्ज, राइट, वोडाफोन, एयरटेल, वो *111# करके जो कोड यूज़ करके अपन करते थे, सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है, जस्ट दैट कि अपन बैंकिंग सर्विसेज इसमें मतलब इंकॉर्पोरेट करके यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये USSD बेस्ड एप्लीकेशन है, इसमें थोड़ी और चीज़ें एडिशनल हैं जो आप बाद में रेफर कर सकते हो। देन पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन, इसमें USSD बेरर टेक्नोलॉजी सेम है, तो ये जो एडिशनल कॉम्पोनेंट्स है इसके बारे में मेंशन किया है, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे नीचे। फिर मल्टीलिंगुअल, मतलब मोर देन वन चैनल लैंग्वेजेस अपन सपोर्ट करते हैं, वो है ये। मल्टी टेनेंट, मतलब बहुत सारे वाया 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 कंपोनेंट्स हैं जिसका इसमें है डिज़ाइन डिप्लॉय। इसमें लॉगिन सिस्टम है, जिससे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में जैसे अपन करते हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ टाइप अपना हेलो मनी में भी यूज़ होता है, तो वो लॉगिन के बारे में भी अपन बात करेंगे। इंटरफेयर विद MNOs, ठीक है, तो अभी MNOs के साथ इंटीग्रेशन होगा, बट ऑफ कोर्स क्योंकि जैसे अपन फ्री फीचर फोन यूज़ करते हैं, राइट, वी विल बी हैविंग एनी वन ऑफ द MNO, जैसे अपना वोडाफोन होता है, एयरटेल हो गया या फिर जियो हो गया, राइट, दोज आर MNOs, तो वो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है विथ हेलो मनी वाया एग्रीगेटर, तो ये सारी चीज़ें भी अपन नीचे देखेंगे, बट ये जस्ट कीवर्ड्स इधर मेंशन किया, तो इसे लेवल इधर डिस्कस करते हैं। फिर हाँ, इसमें देखो मेंशन किया है कि जैसे अपन *111# यूज़ करते हैं, वैसे ही ये USSD गेटवे राउट्स मैसेज सिग्नलिंग नेटवर्क टू एप्लीकेशन सर्विस, इसमें दिया है थोड़ा ऊपर ऊपर से बेसिक इंफॉर्मेशन है, सर्विस विंडो, डिजिटल चैनल, चलेगा स्किप करेंगे तो।
मैंने इसका आर्किटेक्चर डायग्राम पर आते हैं, ये नहीं दिख रहा होगा ना आपको, मैं जूम इन करता हूँ, बता देना जब दिखे। है क्या अभी विजिबल सही से, मतलब ये थोड़ा कंटेंट दिख रहा है क्या? और जूम करूँ क्या? ठीक है, अभी दिख रहा है ना? ओके ठीक है, ये एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है फॉर हेलो मनी, कि ये अपना हेलो मनी एप्लीकेशन इधर है। तो एसेंशियली स्टार्ट कैसे होता है कि फर्स्ट इधर बताया है फ़ोन यूज़र है, जो अपना फीचर फ़ोन होता है उसका फर्स्ट उधर से स्टार्ट होता है अपना फ्लो, देन इट गोज़ टू योर MNO, ठीक है, या MNO इज़ वोडाफोन आइडिया वो सब इन दिस केस, एंड दैट रिक्वेस्ट इज राउटेड टू एन एग्रीगेटर। नाउ व्हाट एग्रीगेटर एसेंशियली डस इज राइट, वो एग्रीगेट करता है, मतलब एन नंबर ऑफ MNOs हो सकते हैं, राइट, एक के पास वोडाफोन हो सकता है, एक के पास एयरटेल हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस सारे रिक्वेस्ट जो भी आते हैं वो एग्रीगेटर यू नो एग्रीगेट्स दोस रिक्वेस्ट एंड सेंड्स इट टू हेलो मनी एप्लीकेशन। तो एग्रीगेटर का काम वो है बस। तो एग्जांपल ऑफ एग्रीगेटर द सेलकॉम टू एप्लीकेंट एंड सेलोनेट, ठीक है। तो ये कंट्री स्पेसिफिक होता है कोई कोई, तो उसके हिसाब से एग्रीगेटर्स होते हैं इन कंट्री, ठीक है। इसमें एक्चुअली कंट्री के नाम स्पेसिफाई, अच्छा बाद में होंगे, ठीक है बाद में करेंगे। अपने पास 8 कंट्रीज है हेलो मनी में अपन सपोर्ट करते हैं, उसके लिस्ट नीचे है तभी अपन बात करें। ये है इनिशियल, फिर हेलो मनी एप्लीकेशन है, ठीक है। हेलो मनी एप्लीकेशन का अगर आप लोग ने हेलो मनी सिमुलेटर देखा रहेगा, एक मिनट दिखा देता हूँ, फिर इधर ओपन लेता हूँ, ये देखो ऐसा दिखता है हेलो मनी एप्लीकेशन जब भी आप लॉग इन करते हो, आपने डायल इन किया, ठीक है। ये देखो अपन इधर एक डाटा डमी जैसा USSD कोड है, बट वो कंट्री स्पेसिफिक होता है, इन दैट कंट्री जो भी है वो अपन डायल करते हैं, तो यूज़र को ये स्क्रीन दिखता है कि जो भी उनका नाम है, एंड इट आस्क द यूज़र टू एंटर द, ठीक है, बेस्ड ऑन एंटरिंग दिस पिन उनको लिस्ट ऑफ सर्विसेज दिखती है ऑन द मेन्यू स्क्रीन। ये थोड़ा मतलब फर्स्ट स्क्रीन जो दिखती है व्हेन इट व्हेन द यूजर सक्सेसफुल इज एबल टू लॉग इन इनटू हेलो मनी, राइट, ये है स्क्रीन। तो दिस इज मोर ऑर लाइक व्हाट द एप्लीकेशन लुक्स, ठीक है, ये है। तो वही है इधर मोस्टली, जिधर जो फर्स्ट स्क्रीन अपन को दिख रही थी, राइट, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, मोबाइल टॉप अप, दिस आर ऑल व्हाट इज योर फर्स्ट स्क्रीन व्हिच यू सी। एंड इसके अंदर अंदर जाएंगे तो जो सब मेन्यूज होते हैं, राइट, उसका इधर बताया है मोर ऑर लेस फंक्शनली क्या क्या कर सकते हैं। तो फंड ट्रांसफर इज अ सिंपल पेमेंट, लाइक फ्रॉम यू वांट टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी, राइट, तो वो फंड ट्रांसफर्स के अंदर आते हैं। इट कैन बी इंटर आपसा और आउट अदर देन आपसा बैंक, तो वो डिपेंड करता है लाइक इन विच कंट्रीज यू सपोर्ट, लाइक विच कंट्री सपोर्ट्स व्हाट टाइप ऑफ फंड ट्रांसफर, बट दैट इज मोर ऑर लेस। बिल पेमेंट्स, आपके बिल पेमेंट्स होते हैं बेसिकली जो आपका बिल होता है भरने का, टीवी का हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का हो, और भी जैसे होते हैं, तो वो बिलर्स अपन ने कॉन्फिगर्ड होते हैं, वो अपन यूज़ कर सकते हैं। जब अपन बिल पेमेंट का सिलेक्ट करते हैं तो इट शोज यू अ लिस्ट ऑफ मतलब जो भी है बिलर्स कॉन्फिगर्ड, एंड देन यू सिलेक्ट द बिलर एंड देन यू गो फॉरवर्ड एंड यू पोज योर ट्रांजेक्शन। सिमिलरली मोबाइल टॉप अप होता है, मतलब यू वॉन्ट टू, जैसे अपना पेटीएम होता है, राइट, उसको अगर आपको टॉप अप करना है उसके उस वॉलेट को आपको, वो भी अपन कर सकते हैं इसमें। सिमिलरली सेम ये मोबाइल टॉप अप एंड वॉलेट आर वन एंड द सेम थिंग। कैश सेंड करके फीचर एक है जिसके अंदर वे यू कैन सेंड कैश टू एनी यूज एनी पर्सन एंड दे कैन विड्रॉ दैट मनी फ्रॉम द ATM। तो ये एक फीचर है इन सेलेक्टेड कंट्रीज, 5 या 6 कंट्रीज सपोर्ट करते हैं इसको, तो वो कैसे काम करते हैं वो अपन बाद में देखेंगे, बट एक और एक फीचर है। देन आपका अकाउंट सर्विसेज का है, जैसे आपको अगर देखना है आपके अकाउंट में क्या क्या मतलब कितना अमाउंट है, वो सारी चीज़ें भी है इधर, क्या एक्टिविटी करा है अपने लास्ट 4 to 5, वो सारी चीज़ें हैं। फिर आप बेनिफिशरीज ऐड कर सकते हो, आपको अगर कोई फंड ट्रांसफर के लिए रखना है बेनिफिशियरी उसको ऐड डिलीट कर सकते हो। सिमिलरली फॉर बिल पेमेंट्स,
देन देर आर अदर सर्विसेज लाइक क्रेडिट कार्ड्स का भी सपोर्ट है फॉर सम कंट्रीज जिधर अपन पे पेमेंट कर सकते हैं वाया क्रेडिट कार्ड्स. देन एस एम एस सर्विसेज इन द सेंस इट लाइक जो भी आपको डिटेल्स आते हैं वेन एवर यू ट्राई टू पोस्ट अ ट्रांजैक्शन ठीक है आपको एक नोटिफिकेशन आता है आपके जो भी आप बैंकिंग सिस्टम यूज करते हो राइट. तो सिमिलर लाइंस पर इसमें भी एसएमएसएस के एसएमएस भी इंटीग्रेशन है. ये हेलो मनी खुद से नहीं भेजता है ये वाया एएनई होता है बट या वो भी है सर्विस मतलब वो भी अपन सपोर्ट करते. देन एफडी इंटरेस्ट रेट्स ये भी अपन तेरी कह सकते हैं यूजर को. देन यूजर कैन आस्क टू कैन रिक्वेस्ट अ चेकबुक एज वेल सो दैट ऑल फीचर्स आर आल्सो देयर. तो ये मोर ऑर लेस ओवरव्यू है हेलो मनी में अपन क्या क्या टाइप ऑफ फंक्शनल चीज़ें सपोर्ट करते हैं ठीक है. और भी बहुत सारे अगर आप इसमें थोड़ा ये करोगे ना देखोगे ना क्या क्या है और तो आपको पता चल जाएगा. से फॉर एग्जांपल आप अदर्स में जाते हो तो और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आप पिन चेंज कर सकते हो आपका लैंग्वेज जो भी फिलहाल इंग्लिश में है तो आपको जो भी स्वाहिली में करना है या फिर पोर्चुगीज में करना है वो आप कर सकते हो इसमें जाके. तो और भी है अगर आप थोड़ा इस पर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा. देन ये आपका हेलो मनी है दिस इज योर वन कंपोनेंट आप बोल सकते हो पूरा इसमें ठीक है. देन सेकेंडली कम्स योर बैम ठीक है. बैम इज योर मिडलवेयर इन दिस केस. तो ऐसा होता है कि हेलो मनी इज नॉट अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मीनिंग दैट जो भी होता है दैट हेलो मनी इन इटसेल्फ कैन नॉट वर्क ऑन एवरीथिंग ठीक है. सो दीज आर योर काका कंपोनेंट्स बॉक बैम वो सारी चीजें हैं. तो बैम इज लाइक योर मिडलवेयर ओवर देयर. What happens is कि जब भी आपको कोई ट्रांजेक्शन या कुछ भी करना होता है तो अपना इधर अपन कैसे है अपना सोप बेस्ड कॉल्स होते हैं सर्विस कॉल्स होते हैं ठीक है. जो सोप बेस्ड कॉल्स होते हैं ना वो कोई भी कंपोनेंट्स अगर अपन को डेटा चाहिए रहता है या फिर कॉल्स करना होता है तो अपन वाया बैम ही जाते हैं. वी सेंड द रिक्वेस्ट टू बैम एंड बैम देन सेंड्स द रिक्वेस्ट टू अदर कंपोनेंट्स या जो भी अपन को चाहिए रहते हैं. तो एवरी टाइम हेलो मनी जो स्टार्ट होता है ना एप्लीकेशन उसका जो भी अगर कॉल्स रहेंगे ना तो वो वाया बैम ही जाता है टू बॉक हो या फिर और भी कोर बैंकिंग सिस्टम हो ऐसे. तो बैम इज लाइक दैट फॉर अस ठीक है मिडलवेयर. हाँ इधर तक कुछ डाउट है क्या मतलब मैं थोड़ा और स्ट्रेच किया. कुछ पूछना है क्या इसमें हेलो मनी में एटलीस्ट. नहीं क्या डाउट. नहीं नहीं ऐसे नहीं ना पूछना पड़ेगा गायत्री. इट हैज टू राइट सेशंस हैज टू बी बायडायरेक्शनल. एक तरफ से होगा तो फिर वो पता नहीं कितना कंज्यूम कर रही है पब्लिक समझ में भी नहीं आएगा. राइट गायत्री क्या कोई क्वेश्चंस हैं इस पे अभी तक. नहीं सर. दिस हेलो मनी इज इंप्लीमेंटेड फॉर ऑल द कंट्रीज राइट other than Mauritius Seychelles 8 country mein. Okay 8 countries mein se login hota hai isse. Okay currently 8 countries mein supported hai okay. And for other countries what they are using. Other countries have option like we can say they are using EIB and EMB. Other countries mein mostly Mauritius and Seychelles hi hai ye to hi hai jo apan ne karte support which are supported in EIB and EMB. Okay. Thanks. 8 countries है उसके लिस्ट है नीचे शायद से मैं वो बताता हूँ बाद में बट हाँ 8 countries. तो नाइजेल कोई भी फ्लो जाता रहेगा एच एम से इट गोज वाया बैम ओनली ना. That is for सर्विस कॉल्स ठीक है. अपना सोप बेस्ड है पूरा ठीक है. तो जो भी अपना कॉल्स रहते हैं ना वाया बैम ही जाते हैं. अपन बैम को कॉल भेजते हैं एंड देन बैम इंटरनली कॉल करता है और भी जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं उसको एंड उधर से रिस्पॉन्स लेके आते हैं देन इट सेंड्स टू हेलो मन बट एवरीथिंग एंड एनीथिंग गोज टू बैम. और एक दो चीजें या और एक है कंपोनेंट जो अभी रिसेंटली इंटीग्रेट हुआ है वो इट एक्ट्स लाइक अ बैम थिंग फॉर अस फॉर लोन्स के लिए ठीक है. वो मैं आपको बाद में बता दूंगा इट्स लाइक एन एडिशनल ठीक है. बट मोर देन लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग गोज वाया बैम ठीक है इन हेलो मनी. इट इज लाइक द फर्स्ट सर्विस जो भी अपना कॉल्स होते हैं ना वो बैम से ही जाता है. एंड अजय अमोल इज आल्सो देयर लाइक इज आल्सो इंप्लीमेंटेड इट्स सिमिलर टू बैम but it is REST API. okay तो so best चीजों के लिए बैम है और अभी recent जो इसे मितेश ने बताया अमोल is using REST API structure.
सो बेसिकली बैम निकलने वाला, अमूल उसके बीच में आने वाला है ना अभी। हाँ यही शायद से प्लान है, इसको करना है रिप्लेस विद अमूल। ठीक है तो बैम इज दैट। अपने पास फिर कैसे है कि एक मिनट मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ बैम को। अभी अपने पास कोर बैंकिंग सिस्टम्स है, ठीक है, दैट इज FCR एंड ईबॉक्स। ठीक है, नाउ व्हेन वी से कोर बैंकिंग सिस्टम्स, राइट, जेदर एक्चुअल में आपके अकाउंट के बारे में, मतलब वेयर एक्चुअल पोस्टिंग हैपेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और एनीथिंग, ठीक है, वो सिस्टम्स है। ओके, FCR एंड ईबॉक्स। नाउ FCR इज लाइक फॉर फोर कंट्रीज एंड ईबॉक्स इज फॉर फोर कंट्रीज। उसका भी स्प्लिट नीचे रहेगा कौन से कंट्रीज FCR एंड ईबॉक्स। ठीक है, तो क्या होता है एसेंशियली इज, राइट, कि अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया से फॉर 100 रुपीज, ठीक है, तो उसका जो पोस्टिंग होता है ऑन योर अकाउंट विच इज FCR, ठीक है, जब ये भी आपका ईमेल स्टेटमेंट आप निकालते हो, राइट, उसके ऊपर आपकी एंट्रीज होती है, राइट, कि आपने 100 कार्ड जितना भी डेबिट क्रेडिट का किया, तो वो आपका वो सिस्टम जो है, राइट, जो एक्चुअल में दिखाता है कि आपने कौन सा ट्रांजेक्शन किया, दैट इज योर कोर बैंकिंग सिस्टम, इन दिस केस FCR एंड ईबॉक्स। ठीक है, तो अगर मेरे को ट्रांजेक्शन पोस्ट करना है फॉर 100 रुपीज, पहला कॉल जाएगा बैम को, बैम और फिर बैम इंटरनली FCR और ईबॉक्स पे जाके उसको पोस्ट करेगा, मतलब इंटरनली सर्विस कॉल करके वो पोस्ट करेगा वो सिस्टम्स पर। ठीक है, तो FCR एंड ईबॉक्स आर दोस। स्पैरो करके भी स्पैरो, हाँ, सो ये कोर बैंकिंग हो गया, लाइन से जाते हैं। आपने स्टेटमेंट मारा कि अभी एंट्री जो भी जाता है इट विल चेक फॉर FCRN और ईबॉक्स, तो इट्स डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक कंट्री, जैसे जहाँ पे ईबॉक्स है वहाँ पे ईबॉक्स का कॉल करेगा, जहाँ पे FCR करेगा वहाँ पे वो कॉल करेगा, राइट। हाँ, वो वो सारे चीज है कॉन्फिगर्ड हो गया एट पेमेंट, कि अगर आपका कंट्री केन्या है फॉर एग्जांपल, दैट इज अ FCR कंट्री, तो वो FCR को करेगा डेट, उसका सब कॉन्फिगरेशन पेमेंट पर होता है हैंडल मोस्टली। नहीं वो वैसा ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, API भी कई बार ना नाइजर अलग होते हैं, राइट, एट फ्यू टाइम्स, मतलब जनरिकली यू आर राइट कि बैम विल राउट इट बेस्ड ऑन FCR और फ्लेक्स और बेस्ड ऑन द कंट्री कोड बिजनेस आईडी, बट फ्यू सर्विसेज लाइक बिल पेमेंट, राइट, यू नो मेक बिल पेमेंट वर्सेस SSL बिल पेमेंट, राइट, हां वो अलग नाम वाले है कोई कोई सर्विसेज, राइट, तो कोई कोई सर्विस हम ही चैनल से अलग कॉल करते हैं, फॉर फ्लेक्स डिफरेंट एंड फॉर ईबॉक्स डिफरेंट। ठीक है, वो शायद आपका और कुछ है था क्या उसके बेस पर पूछना? नहीं नहीं बस वही पूछना था। ओके ठीक, चलिए एक मिनट नाइजल स्टॉप हो जाते हैं। पीयूष कोई क्वेरीज अभी तक? हेलो हेलो ओके हेलो हाँ पीयूष बोलो। नहीं नाइजल ओके ठीक है चलेगा। ठीक है, अपन इधर ये लाइन से जाते हैं। ये सपोर्ट पिन माइग्रेशन UTHM, ये अभी देखा नहीं एक्चुअल में क्या, शायद कुछ अलग नाम से रहेगा, इसको थोड़ा रख देते हैं। ये BCAG इज लाइक आपके कैश सेंड के लिए अपना यूज होता है ये, ठीक है, ये आपको कोड लेवल पर शायद समझेगा जब आप देखोगे कि क्या क्या कैश सेंड में क्या क्या होता है एक्चुअल में, अपन इसको एनक्रिप्ट कैसे करते क्या कैसे करते, तो उसमें अपन ये वाला क्लास और रादर ये वाला जार मतलब कॉल करते हैं, तो उसके लिए यूज होता है कैश सेंड के लिए, एनक्रिप्शन का है बेसिक इसका पर्पस। ठीक है, फिर BNE, तो BNE इज लाइक नाउ ANE, ठीक है, ANE इज यूज टू सेंड SMSs, ठीक है, जो मैंने बोला था कि आपको जो अलर्ट्स आते हैं कि आपका अकाउंट पर सो एंड सो एक्टिविटी हुआ है और कितने का हुआ है, सो दैट कंपोनेंट विच सेंड्स द SMS, राइट, टू द यूजर इज योर ANE, वाई बैम एवरीथिंग हैपेंस। ठीक है, तो ये BNE है, और TextFCR है, बॉक्स हो गया है, स्पैरो, हाँ स्पैरो एक और एक है कम का कंपोनेंट, ठीक है, is used, ठीक है, स्पैरो ये जो कैश सेंड के भी होते हैं ना ट्रांजेक्शन्स, वो भी स्पैरो पर जाकर इंटरनली पोस्ट होते हैं, ठीक है, वो उसके लिए यूज होता है स्पैरो कंपोनेंट करके। नाइजल ये स्पैरो है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों का करता है क्या, मतलब डेबिट और क्रेडिट एज इन मतलब आप बताओ।
ओके ठीक है. तो स्पैरो का कैसा है कि एटलीस्ट फॉर कैक एसेंट के लिए राइट, वो वाया बैम से कॉल जाता है टू स्पैरो. तो जो इंटरनल है ना स्पैरो का, वर्किंग थोड़ा अलग है. वो ओके इंटरनली होता है कनेक्ट टू योर ब्रेन्स. ब्रेन्स मतलब FCR एंड ईबॉक्स में होता है. ठीक है, तो जो भी पोस्टिंग होती है वो इधर और एक आ जाता है कंपोनेंट वाया स्पैरो, ऐसे होता है वो. ठीक है, तो कैसेंट के फ्लो नहीं में वो डायरेक्ट पोस्ट नहीं होता है, वाया स्पैरो जा जाके होता है पोस्ट. बट वो और भी फ्लोज है इंटरनल उसके अंदर. बट जो ऑल इन ऑल है राइट, कि आपका जो होता है डेबिट क्रेडिट का जो आप पूछ रहे हैं, वो वाया स्पैरो जाके इधर ही आके पोस्ट होता है. ये अलग कंपोनेंट नहीं जिधर पोस्टिंग होते अच्छा, फिर वो स्पैरो से जाके कोर बैंकिंग में ही जाता है वैसे आप बोल रहे हो, राइट? हाँ. ओके इवेंचुअली इधर जाके वो पोस्ट करता है ट्रांजेक्शन. ये एक है. फिर MVS. MVS जो ये भी कैसेंट के लिए है कंपोनेंट. ठीक है, MVS सिस्टम इधर जाकर वो पोस्ट होता है. तो ये पूरा कैसेंट में राइट, ये स्पैरो MVS सिस्टम ये सारी चीजें है उसमें. ठीक है, वो इधर होता है मतलब बैम से कॉल बनता है, एक MVS की रिक्वेस्ट बनती है और MVS को जाता है. फिर और एक इंटरनल कॉल जाता है स्पैरो के पास भी. तो ये MVS का भी पार्ट है उसका फॉर कैसेंट के लिए. ठीक है, देन आपका MC है. ठीक है, तो अभी कैसा है कि ये POC एंड MC राइट हैज द सेम डेटा. ठीक है, जो उसका डेटाबेस है राइट फॉर POC एंड MC इट्स द सेम डेटा. POC एंड MC आर अ कंपोनेंट. ठीक है, वो अलग है. POC कैसा है कि आप अगर कोई भी बैंक में जाते हो राइट, आपके अकाउंट के डिटेल्स जो बैंक में होता है एम्प्लॉई ही नोज राइट, कि आपका मतलब क्या क्या है डिटेल्स. वो कोई तो UI पर चेक करता रहेगा राइट. सो दैट कंपोनेंट यू कैन से इज बॉक. ठीक है, बॉक के अंदर आपके यूजर की इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, इसमें होता है. तो इट कैन यू नो चेक कि आपने लास्ट क्या एक्टिविटी किया था, या फिर आपके अकाउंट्स कौन से हैं, आप हेलो मनी पर हो क्या नहीं, आप और कौन से बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हो. अगेन वो सारी चीजें आपका मतलब नाम पूरा एड्रेस वो सारी चीजें जो होती है ना यूजर इंफॉर्मेशन, वो बॉक पे होती है स्टोर. ठीक है, तो दैट इज योर वन कंपोनेंट. और उसका डेटा होता है राइट, उसका डेटा और MC का कंपोनेंट का डेटा एक ही होता है. जब भी अपना इंटरनल कॉल्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल मेरे को दे देखना है कि ये यूजर हेलो मनी में है या नहीं. ठीक है, तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन किधर से मिलेगी, बॉक डेटाबेस से ही मिलेगी राइट, क्योंकि दैट स्टोर्स दैट इन्फॉर्मेशन. बट जब भी अपना हेलो मनी अपन जब भी यूज करते हैं राइट, तो अपन बॉक्स से नहीं जा सकते राइट. अपन को हेलो मनी कंपोनेंट यूज करना है. तो अपन क्या, तो अपना ये क्या करता है हेलो मनी, हेलो मनी से रिक्वेस्ट जाती है टू बैम, एंड बैम से जाती है रिक्वेस्ट टू MC, क्योंकि MC और बॉक का डेटा सेम. तो जब भी अपना सर्विस कॉल्स होता है राइट, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड MC फॉर अस. एंड जब भी कोई बॉक्स अगर किसी को देखना होता है राइट, जो भी है बैंक एम्प्लॉयज, दे से इट एज बॉक. बट वन एंड ऑल द डेटा विच इज स्टोर्ड राइट इज द सेम इन बोथ द कंपोनेंट्स. और इसका यूज अलग होता है. बॉक इज फॉर द एम्प्लॉयर्स मतलब जो बैंक में काम करते हैं उनको पता करने के लिए. अपने लिए जो बैक एंड से होता है ना कॉल, फॉर दैट इट इज MC कंपोनेंट. ठीक है, ये है. इसमें कुछ है क्या डाउट बॉक MC में कैसे सेम है और क्या क्या कैसे अलग है, इसमें कुछ डाउट है? बॉक और MCA वो सेम डेटाबेस मतलब करता है हाँ यूज़ राइट. हाँ मतलब उसका डेटाबेस अलग है, बट जो डेटा है राइट ऑल इन ऑल इन बोथ द स्कीमास दोज आर सेम. ठीक है, अलग अलग डेटाबेस है बट वो सिंक होते रहते हैं हमेशा. तो जो भी डेटा आपका बॉक में होगा आपके नेम के अगेंस्ट, वो सेम डेटा MC के इसमें भी होगा आपके अगेंस्ट, ऐसा है. बट वो अलग अलग डेटाबेस है और कंपोनेंट्स भी अलग आप बोल सकते हो, बट ऑल इन ऑल जो डेटा है बैकएंड में वो सेम रहेगा ऐसा. हेलो हेलो. हाँ, द MC डेटाबेस टूल फॉर बॉक ओनली, राइट? इट इज नॉट अ डेटाबेस टूल, इट इज एन कंपोनेंट ओनली. ओके, बट व्हाट इट इज राइट, जब भी आपका सर्विस कॉल होता है राइट, योर मेन एम इज टू फेच डेटा राइट. ओके, या फिर आपको कुछ पुश करना है डेटा, तो वही होता है जो MC कंपोनेंट इंटरनली अपने डेटाबेस को कॉल करके करता रहेगा राइट. बट इट इज एन एप्लीकेशन और अ कंपोनेंट फॉर अस. ओके, फॉर हेलो मनी यू कैन से ऐसा. तो MC इज लाइक अ स्टैंड अलोन थिंग फॉर अनदर लाइक इट्स अ कंपोनेंट होनी बेसिकली. बट जो डेटा का होता है, मैंने वो क्यों बताया, क्योंकि आपको पता चले कि बॉक और MC में सिमिलैरिटी क्या है.
ठीक है. So it's a separate component only to which we do a service calls to get data or to push some data in the database. और कुछ है क्या डाउट डिस्क्रिप्टर बॉक एमसी? नाइजल जो डेटाबेस अलग है तो उसको मींस अपन मैनुअल सिंक करते हैं या फिर वो ऑटो सिंक होता है? वो उनका है बॉक और एमसी का, वो अपन मैनुअली तो नहीं होगा मोस्टली, वो उनका ऑटो सिंक पर ही रहेगा आफ्टर हाफ एन आवर या जो भी है, बट वो अलग कंपोनेंट क्या है वो अपन को इतना उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं, बट इतना पता होना चाहिए कि बॉक और एमसी में डेटा सेम होता है. ठीक है, आप ही सोचो ना कि अगर वॉक और एमसी में डेटा सेम नहीं रहेगा तो वो फिर काम कैसे करेगा सही से. जो यूजर को दिखना चाहिए उसके हेलो मनी पर वो सेम होना चाहिए ना, जब भी कोई भी एम्प्लॉयर उसका अगर सर्च करता है कि इसके अकाउंट में कितने बैलेंस है. ठीक है, तो इसीलिए द होल पर्पस ऑफ दैट इज ये कि सेम होना चाहिए डेटा. समझा मतलब? पता नहीं और कितना मैं सेंस कर रहा हूँ बट यही है उसका. ठीक है ना, यूजर रजिस्ट्रेशन हाँ इसका वो बॉक का है. बॉक से अपन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है, यूज़र को अपन ऑनबोर्ड कर सकते हैं ऑन हेलो मनी. ठीक है, पिन चेंज करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें. अगर अपने आपको बॉक का कुछ को यूज़र का एक्सेस मिला रहेगा बॉक पे लॉगिन करने का तो आपको पता चल गया रहेगा कि क्या बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और वो इंटरनली फिर हेलो मनी पर आके रिफ्लेक्ट होते हैं अगर अपने इधर से ऑनबोर्ड किया रहेगा फॉर दैट यूजर. मतलब आपने ऑनबोर्ड किया रहेगा एक यूजर को टू हेलो मनी तो आपको हेलो मनी में वो दिखेगा यूजर ऐसा है, तो इंटरनली वो है वाया. ठीक है, फिर इसके अंदर और भी कम. हाँ, ये जो भी है ना बॉक के अंदर ETL है, उसके बाद वेयरहाउस एंड रिपोर्टिंग, वो सब क्या है? ये एक्चुअली अपने लिए इतना मैटर नहीं करता है, वो बॉक का कुछ इंटरनल रहेगा. ठीक है, ये वो लोग डेटा किधर तो स्टोर करते रहेंगे ना उनके वेयरहाउस में, उनका कुछ रहेगा. ये अपन को इतना पता भी नहीं और अपने लिए कुछ इतना मैटर नहीं करता है ये, जितना मुझे पता है. ठीक है, ये बॉक कंपोनेंट के है ये बहुत सारी चीज. ठीक है, लॉगिंग सर्विस. हाँ, ये वाली चीज़ें मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है यूजिंग हेलो मनी राइट, तो वो आपके एक्टिविटी बॉक पर दिखनी चाहिए राइट. उस मतलब जो भी कर सकता है बॉक में लॉगिंग करके, तो वो भी इधर है लॉगिंग सर्विस करके. वो इंटरनली कॉल्स होते हैं कि उसका जो भी एक्टिविटी है वो इसके अगेंस्ट दिखाई दे करके, तो वो एक्टिविटी का एक है सर्विस, लॉग सर्विस करके है. वो आप जब भी कोड लेवल पर चेक करोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि हर एक एक्टिविटी के मतलब लॉक कैसे होती है अगेंस्ट योर नेम इन बॉक्स स्कीमा. ठीक है, वो उधर आपको दिख जाएगा, बट ये एक है. ये सारी चीज़ें इतने मैटर नहीं करते मेरे हिसाब से, और अपन को पता भी नहीं बॉक के बारे में. ठीक है, बॉक हो गया, एमसी हो गया, देन आपका विजन प्लस. हाँ, ये क्रेडिट कार्ड्स के बारे में है. तो क्रेडिट कार्ड्स का जो भी है वो डेटा जो भी है वो अपन को विजन प्लस के साथ आता है. से फॉर एग्जांपल आपको बिल पेमेंट करना है, ठीक है, बट आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करके करना है, तो आपका कॉल जाएगा बैम को और एक कुछ इंडिकेटर रहेगा कि आपको क्रेडिट कार्ड्स आपको फेच करके लाने, मतलब आपको पहले चेक करना पड़ेगा ना कि आपके पास है या नहीं क्रेडिट कार्ड. तो बैम के पास कॉल जाएगा, बैम भेजेगा विजन प्लस को और वो फेच करके लगाएगा कि आपके पास है क्या नहीं क्रेडिट कार्ड, अगर है तो क्या क्या है उसका, मतलब डिटेल जो भी वो अपन को रिस्पॉन्स में आएगा. ठीक है, तो वो रिस्पांस में आएगा, फिर अपन जब भी पोस्ट करेंगे और एक बार ट्रांजेक्शन के फ्लो में जाएंगे तभी उस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट आपका ट्रांजेक्शन पोस्ट हो जाएगा कि ये करना है अपन को ट्रांजेक्शन, बट जो अकाउंट होगा यूज वो क्रेडिट अकाउंट नंबर सो एंड सो. तो वो सारा डिटेल्स राइट क्रेडिट कार्ड के इसके ऊपर वो विजन प्लस से आता है. ठीक है, जो भी कासा के होते हैं अकाउंट्स वो अपन को ब्रेन से आते हैं, फ्लेक्स एंड ई बॉक्स से आते हैं, जो आपकी सेविंग्स और करंट अकाउंट होते हैं राइट. दोस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के डेटा अपन को FCR और ई बॉक्स से आते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड का होता है इंफॉर्मेशन वो विजन प्लस से आता है. ठीक है, इसके ऊपर कुछ डाउट? ठीक है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर नाइजल ब्रेन्स का क्या बोला, कैन यू रिपीट प्लीज? Brains, e-box और brains internally, मतलब more or less for hello money it's one and the same thing, but e-box and brains का कुछ internal sync होता है. ठीक है, तो जब भी e-box अपन बोलते हैं ना more or less we mean brains और e-box, जब भी hello money के perspective से जब भी अपन बात करते हैं. ठीक है,
तो जो कासा के होते हैं ना डिटेल्स सेविंग्स अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट राइट, उसका डिटेल्स अपन को इधर से एफसीआर से आता है या फिर ईबॉक्स से आता है. और जो क्रेडिट कार्ड्स का इंफॉर्मेशन होता है वो विजन प्लस से आता है. अच्छा, फॉर एचएम पर्सपेक्टिव ईबॉक्स और ब्रेन सेम है, पर ऐसा कुछ डिफरेंस कुछ होएगा ना मतलब? हाँ, वो उनके एंड पर होगा, ईबॉक्स एंड के ऊपर. वो हाँ वो उसकी टीम अलग है. आप मतलब अगर उनसे किसी से बात करोगे तो आपको शायद वो मतलब वो बताएंगे कि ईबॉक्स और ब्रेन एग्जैक्टली व्हाट इट डस, बट अपना कॉल ईबॉक्स और अपना कॉल एफसीआर को ऐसे अपन बात करते. ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक्स. हाँ, ये कैश, कैश अपना है जो अपना पिन स्टोरेज के लिए काम आता है. ठीक है, तो कैश इज अ सेपरेट कंपोनेंट, ठीक है, हेलो मनी की तरह, जो एसेंशियली स्टोर करता है आपका पिन. ठीक है, जब भी आप, अभी मैंने आपको दिखाया राइट कि हेलो मनी में जब भी अपन लॉग इन करते हैं, ठीक है, ये मैंने पहले डायल इन किया, मतलब शॉर्ट कोड एंटर किया तो मेरे को ये दिखा, ये जो मैं पिन एंटर करता हूँ राइट, ये पिन स्टोर होता है कैश कंपोनेंट. ठीक है, कैश के कंपोनेंट में, और वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स राइट. तो उसका जो जो बिहेवियर मतलब उसका जो फंक्शनलिटी है कि पिन को एनक्रिप्ट कैसे, मतलब नॉट टू एनक्रिप्ट द पिन, बट जो स्टोरेज का है कि अगर मैंने पिन चेंज किया तो वो कैसे हैंडल करना चाहिए, जो पिन मैंने एंटर किया है वो सही है या नहीं, वो जो इंफॉर्मेशन आती है ना वो सही है क्या नहीं, वो उसको हैंडल करने वाला कंपोनेंट इज कैश. ठीक है, तो अगर मैंने पिन एंटर किया, ठीक है, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा बैम के पास, बैम भेजेगा कैश को, फिर कैश खुद का वो लॉजिक यूज करके चेक करेगा कि उसके पास जो पिन है और आपके पास जो पिन है आपके नेम के अगेंस्ट वो सेम है या नहीं, और जो भी रिस्पॉन्स रहेगा सक्सेस फेलियर वो आपको भेज देगा, एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल अलाउ यू टू लॉग इन. ठीक है, अगर मैंने इधर गलत पिन एंटर किया, ठीक है, तो वो मेरे को रिस्पॉन्स में आएगा कि आपने गलत एंटर किया, तो मैं उस हिसाब से स्क्रीन इधर दिखाऊँ. ये हेलो मनी का बिहेवियर है, बट जो अपन को आएगा पहले रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन दैट दिस इज हेलो मनी बिहेवियर. ठीक है, फिर मैंने जब भी सही पिन में एंटर करता हूँ, इसके लिए अपन ने ये सेट किया है, तो उधर से सक्सेस रिस्पॉन्स आएगा कैश से, बेस्ड ऑन दैट सक्सेस रिस्पॉन्स अपन हेलो मनी एप्लीकेशन ऐसे बिल्ड किया है कि ये वाला उसको रिस्पॉन्स दिखाएंगे, नेक्स्ट स्क्रीन दिखाएंगे ऐसा. ठीक है, तो वो कैश कंपोनेंट का है बिहेवियर, मतलब पिन के लिए है वो, पिन स्टोरेज के लिए, पिन मैनेजमेंट फॉर हेलो मनी, टू अपडेट योर पिन, टू चेक योर पिन, वो सारी चीज़ों के लिए कैश कंपोनेंट. ठीक है, इसके ऊपर कुछ डाउट है क्या? ठीक है, फिर ये एमएनओज और एग्रीगेटर्स का. ठीक है, अभी कैसा है कि एमएनओ और एग्रीगेटर्स का दो टाइम यूज होता है, इन द सेंस कि जब भी अपन फर्स्ट टाइम यूज करते हैं राइट, फर्स्ट टाइम इन द सेंस नॉट फर्स्ट टाइम, जब भी अपन शॉर्ट कोड डायल करते हैं कि सपोज *121 इज अ शॉर्ट कोड टू एक्सेस हेलो मनी. ठीक है, अपने वो डायल करा, आपका जो है रिक्वेस्ट एमएनओ के पास आया, फिर बेस्ड ऑन दैट एमएनओ रिक्वेस्ट जो एग्रीगेटर के पास गया, इट अलाउड यू टू एक्सेस हेलो मनी एप्लीकेशन. ठीक है, ये उस पार्ट, ये उस टाइम के लिए एमएनओ और आपका ये यूज हुआ है एग्रीगेटर. ठीक है, बट जब भी आप कोई बिल पेमेंट्स करते हो, ठीक है, तो अगर आपने को आपके वोडाफोन में करना है, ठीक है, मतलब ये करना है अमाउंट, ये करना है पुट करना है, तो उस टाइम के उधर भी आपका पहले तो इधर इधर कॉल आएगा, और अगर जब भी पोस्ट होता है उसके बाद भी इधर आएगा. ठीक है, फिर क्या होगा कि बैम वो है ना वो पोस्ट करेगा इधर आके वापस, वो पोस्ट करेगा टू दी एग्रीगेटर. ठीक है, एंड एन एग्रीगेटर विल इन टर्न सेट विल पोस्ट इट टू एमएनओ. कि व्हेन आई से पोस्ट, इसमें कि उसके मतलब आपके मोबाइल नंबर के अगेंस्ट आपका वो होना चाहिए ना रिफ्लेक्ट, कि अगर आपने 100 rupees का किया है रिचार्ज, तो आपके जो अकाउंट होगा वोडाफोन का अकाउंट, जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा राइट, उसके उसके अगेंस्ट भी वो देखना चाहे राइट, तो उस चीज़ वो जो चीज़ होती है राइट पोस्टिंग की, इन दैट टर्म्स वो इधर होती है वापस एग्रीगेटर टू एमएनओ. ठीक है, और भी होते हैं बिल पेमेंट्स के बिलर, से फॉर एग्जांपल आपका टीवी का है. ठीक है, तो आपने टीवी के लिए पोस्ट किया है ट्रांजैक्शन टू डू बिल पेमेंट्स. ठीक है, तो पहले आपका कॉल जाएगा बैम को, बैम से वो पहले क्या करेगा कि वो चेक करे, वो भेजेगा टू दिस एग्रीगेटर. ठीक है, कि इसको उनको पोस्ट करना है फॉर सो एंड सो टीवी, तो वो टीवी का एक यूटिलिटी का एक होगा, तो उसको वो पोस्ट करेगा. After posting this successfully, वो आपके टीटीवी के अकाउंट के अगर दिखेगा कि आपने इसका बिल पे किया है कि नहीं. ठीक है, ये थोड़ा एक एग्जाम्पल टाइप्स था.
तो उस टाइम के ऊपर भी, उस टाइम के इधर भी ये MN और aggregator आते हैं when you are trying to post something which is a bill payment stuff. ठीक है, ऐसा है वो. बट फॉर ईच एंड एवरीथिंग आपका MNO और एग्रीगेटर रहेगा फॉर एवरी कॉल यू डू. बट जब भी बिल पेमेंट्स करोगे ना तब भी ये आएगा वापस MNO और एग्रीगेटर. ठीक है, ये समझा क्या डिफरेंस की कैसे ये सेम ही है कंपोनेंट्स बट इसका यूसेज कैसे थोड़ा अलग है व्हेन यू आर डूइंग बिल पेमेंट्स. नहीं समझा क्या? एक बार वापस से समराइज. ओके, तो मैंने जैसे बोला राइट कि हाँ एक बार सिर्फ एग्रीगेटर्स का डिफरेंस बता देना ना. एग्रीगेटर इज लाइक मैंने जैसे बोला कि आपके बहुत सारे MNOs होते हैं लाइक इनकंटे वोडाफोन एयरटेल आइडिया ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, तो वो सारे रिक्वेस्ट जो है वो एक कंपोनेंट एग्रीगेट करता है. इट सम्स अप ऑल योर रिक्वेस्ट. मतलब बहुत सारे कंपोनेंट से बहुत सारे MNO से रिक्वेस्ट आ रही है राइट, बट एक स्ट्रीमलाइन होना चाहिए. इन लेमैन लैंग्वेज अनुष्का व्हाट वी कैन से एग्रीगेटर्स आर पेमेंट गेटवेज. ओके ठीक है ना, तो दे आर एक्सटर्नल थर्ड पार्टी गेटवेज जो हु आर रेडी विद इंटीग्रेशंस. तो वो क्या है, इट्स लाइक ए सप्लायर बिटवीन राइट बैंक एंड बिलर्स. ठीक है, इंडिया में भी होता है. अगर तुम गूगल करोगे ना पेमेंट गेटवेज इन इंडिया जैसे रेजर पे होगा एग्जांपल वैसा हो जाता है. हाँ, तो ये एग्रीगेटर्स जो है दे आर पेमेंट गेटवेज. कहीं पे अभी जो नाइजल बोल रहा है मोस्टली दे आर यूज फॉर बिल पेमेंट्स. But nowadays, right, we just recently implemented in Zambia, they even will be used for instant payment, like, right, so they are capable of a lot of things. So it's just a middleware for us to transfer requests from bank out to the billers. Okay. अच्छा ये बताओ जितने लोग कॉल पे हैं, I think raise hands right before answering. SHM में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड लगता है या क्या होता है? पिन लगता है. पीयूष तुम्हें तो सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, बोलो पीयूष. हेलो दीपक, पिन लगता है दीपक. पिन कहाँ स्टोर होता है? पिन सेस सीएस जो है ना कैश में, सीएस कैश में होता है. फ्री टेक्स्ट स्टोर होता है या एनक्रिप्टेड स्टोर होता है? एनक्रिप्शन विद एनक्रिप्शन. एनक्रिप्शन का पता नहीं क्या मेथड होता होगा. नाइजल हम लोग एनक्रिप्ट करके बैम को भेजते हैं या कैश खुद एनक्रिप्ट करता है? नहीं दीपक, एनक्रिप्ट करके ही भेजते चेक करने के लिए. एनक्रिप्शन का क्या मेथड है फिर वो इनको पता होना चाहिए आइडियली. वो कोड लेवल पर एनक्रिप्शन शायद मतलब उधर बेटर समझेंगे, इधर मेंशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है. राइट गायत्री आप क्या एडिशन बताओ कुछ. इट रिक्वायर्स पिन सर. पिन हां इट इज पिन रिक्वायर्ड होता है. पिन तो रिक्वायर्ड होता है, वो तो एक बंदा आंसर कर चुका है. कुछ और बता दो जो बात नहीं हुई है उसके बारे में, मतलब जो किसी और ने नहीं बताया बट नाइजल ने बताया. कवर समथिंग एल्स. वो पिन हम सपोज हमने एंटर किया है 1217, तो वो यहाँ पे वो कैश में चेक करेगा कि 1217 एंड 127 इट इज करेक्ट. इफ इट इज करेक्ट देन इट विल बी लॉग इन, अदरवाइज इट विल बी फेल. दैट मींस जो अपना ऑथेंटिकेशन है वो चैनल साइड ही है यूजर नेम पासवर्ड का. ठीक है, अगर वो ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले डब्बे देखते हैं तो क्या होता है लॉग इन के टाइम पे MNO को कॉल जाता है. MNO को कॉल कैसे जाता है, जब तुम शॉर्ट कोड डायल करते हो राइट, कस्टमर ने कुछ *121# कुछ डायल करा तब वो MNO को कॉल गया. MNO से फिर बैंक के अंदर ट्रैफिक आएगा. जब बैंक के अंदर ट्रैफिक आएगा तभी उसको फिर वो पिन एंटर करना पड़ेगा. तो आई थिंक नाइजल जो अपनी पहली स्क्रीन होती होगी एप्लीकेशन की वो ये लैंडिंग पेज यही होता है जिसमें पिन डालते हैं राइट. हाँ पहले वो ही होता है. मतलब हमारा ये URL exposed होगा aggregator को जिसमें पिन एंट्री होती है. इस पेज का URL. ठीक है. ये वाला. Welcome back.
ये क्या स्क्रीन है, कोई आंसर करेगा कि ये स्क्रीन क्या स्क्रीन है जो अभी नाइजल ने दिखाई है? ये क्या बोलते हैं इसको? वेलकम वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन तो है, बट ये मतलब ये क्या है, ये एप्लीकेशन क्या है? पीयूष कहाँ गया? हेलो हाँ पीयूष, ये क्या है, क्या एप्लीकेशन है ये? इसको बोलते हैं सिमुलेटर। अच्छा ये ठीक है ना। तो अपना क्या है कि ये एप्लीकेशन तुम्हारे पास फिजिकल डिवाइस तो है नहीं, जैसे मोबाइल बैंकिंग के लिए तो तुम चलो कोई एंड्रॉइड आईओएस का फोन उठा लोगे, टेस्ट कर लोगे। यहाँ तुम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा लोअर एनवायरनमेंट में एमएनओ से कनेक्टिविटी नहीं रहता है, तो इसलिए बस तुम अपने साइड के चेंजेस टेस्ट कर सकते हो। उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, इसको सिमुलेटर बोलते हैं, और हम अपने चेंजेस लोअर एनवायरनमेंट में एसआईटी यूओटी प्री प्रोडक्शन में सिमुलेटर ऐप से टेस्ट करते हैं। AKR KT टॉपिक मितेश, ये सिमुलेटर का है क्या अपने एजेंडा में किसी दिन, इसका कोड बेस और जो भी है? मतलब मैंने ओवरऑल वो बता दिया था पीयूष को कि कैसा होता है सिमुलेटर का, अगर वो कोड बेस का, अगर हाँ कोड बेस का, गिट रिपोजिटरी का, वो सब भी एक्सेस बता के बताओ। प्लस वो हमने जो एक ऐप पिन रीसेट वाली जो कुछ ऐप बनाई थी, पता है वो भी ठीक है चलेगा, मैं फिर एक रख दूंगा हेलो नाइजल। हेलो हाँ हाँ बोलो। एक बार मेरे को वापस से ये बताओगे क्या ईबॉक्स प्रिंस और स्पैरो वाला? अच्छा एक मिनट। ओके तो ईबॉक्स और एफसीआर राइट आर योर कोर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, व्हिच हैज इंफॉर्मेशन अबाउट योर अकाउंट्स, ठीक है। तो इन दिस केस ईबॉक्स एंड एफसीआर राइट वो अपने सिस्टम से जिधर आपके सेविंग्स अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, तो पहले वो कैसे होगा, चेक होगा कि आपके पास कोई अकाउंट है या नहीं, तो वो अकाउंट है या नहीं, या फिर है तो कौन से अकाउंट से, उसका इन्फॉर्मेशन एफसीआर और ईबॉक्स से आता है वाया बैम अपन सर्विस कॉल जो करते हैं, ठीक है। वो आपका लिस्ट आएगा आपका अकाउंट्स का, विच विल हैव ओनली करंट एंड सेविंग्स अकाउंट। बट अगर आपने चूज किया कि आपको क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स अगर करने हैं, तो उसका इन्फॉर्मेशन विजन प्लस से आता है, विच हैज इन्फॉर्मेशन अबाउट योर क्रेडिट कार्ड्स, अगर आपके आपके आईडी के अगेंस्ट वो लिंक रहेगा। तो ये बस एक है डिफरेंस बिटवीन कोर बैंकिंग सिस्टम्स जो एफसीआर एंड ईबॉक्स है एंड विजन प्लस, ठीक है। और इधर और एक कंपोनेंट है JBPM जिससे हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, एंड इट इज फॉर लोन प्रोसेसिंग, एक फीचर है लोन टॉप अप नाम से, वो केन्या में ही है अभी करंटली, तो भी एंड इट्स अक्रॉस ऑल द चैनल्स लाइक HM AIR एंड AMB। सो वी सेंड द लोन रिलेटेड थिंग्स इन टू दिस कंपोनेंट एंड देन इट प्रोसेसेस दैट लोन, लाइक यूजर को लोन मतलब दे सकते हैं या है क्या नहीं, एंड देन इट सेंड्स दैट लोन स्टेटस टू MC हु कैन स्टोर्स ओवर देयर कि अगर इस बंदे को लोन मिला है तो अप्रूव्ड है इसका लोन, या फिर इसका लोन रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्टेड है, एंड देन फ्रॉम MC वी गेट दैट लोन टॉप अप का स्टेटस। तो बस वही मेरे को एक मेंशन करना था कि बैम के अलावा अमोल और JBPM ये दो कनेक्ट, ये दो कंपोनेंट्स को भी हम कनेक्ट करते हैं बस, ठीक है। तो वो एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए ही है वेयर इन व्हिच वी डोंट यूज बैम एंड वी यूज JBPM, ठीक है, फॉर लोन टॉप अप। अच्छा अदर देन दैट जो भी है उसके लिए वाया बैम होता है। सिद्धार्थ तुमने पहले देखा हुआ था ये सब या फिर पहली बार देख रहे हो तुम भी? सिद्धार्थ दीपक के देखा हुआ है, देखा हुआ पहले भी। ओके
मितेश तुम्हें क्या करना पड़ेगा मितेश, कि पिछले 1.5-2 साल में अपन ने जो प्रोजेक्ट्स भी लाइव करे हैं ना, यस उनका भी एक इन्वेंटरी बनाना पड़ेगा ठीक है चलेगा ना, और एक बेसिक हैंडओवर उसका भी देना पड़ेगा। लेट से ये वाला तो बड़ा मेजर प्रोजेक्ट था, कार्ड ये वाला, लोन्स वाला है ना, तो विल डिफरेंशिएट कि क्या बड़ा है, तो वो एटलीस्ट किसी को फंक्शन थोड़ा हैंडओवर हो जाएगा, तो कल को कोई डिफेक्ट आए या कुछ आए तो उसमें हेल्प हो जाएगी इन लोगों को। ओके ठीक है चलेगा दीपक, वो भी मैं प्लान में रखता हूँ फिर। ठीक है चलो मैं ड्रॉप होता हूँ, आई थिंक तुम लोग कंटिन्यू करो, ओके अगर करना है तो, वरना रिशेड्यूल करो से नेक्स्ट सेशन जैसा सही लगे। क्या ठीक है। करना है नाइजल, यू कैन कंटिन्यू और व्हाट? हाँ मेरा तो मतलब ये हो गया आर्किटेक्चर था, बस मुझे ये पूरा डॉक्यूमेंट एक बार होना था गो थ्रू, क्योंकि पीयूष को शेयर किया था ना, उसमें कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो पूछना था उनको। ठीक है मैं कर सकता हूँ कंटिन्यू अगर टीम चाहती है तो, फिर जो भी। पीयूष, यू यू हैड डाउट्स राइट? क्लियर योर डाउट्स नाउ ओनली? यस यस एक्चुअली या मेरे को वही आर्किटेक्चर्स के डाउट्स थे जो उन्होंने अभी बताया मेरे को, मतलब ये फ्लो समझ में नहीं आ रहा था खुद से। ओके ठीक है। अभी आपको अगर उच्च रहेगा ना, तो अगर सिंस आपने अभी ये किया है ना कि मतलब सुना है ना, तो आपको ये सारी चीजें समझेगी अभी भाई सही से, एग्रीगेटर क्या है, बैम क्या है, कैश क्या है। ठीक है अभी आप एक बार गो थ्रू करोगे ना, आपको समझेगा एसेंशियली इसका है क्या। तो ये तो एक्सप्लेन किया है, ये थोड़ा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो भी कंपोनेंट्स है उसके बारे में, बस ऊपर का है जो आर्किटेक्चर है उसको ये किया है लेयर बाय लेयर की कैसे होता है क्या होता है, तो एस एच एम कैसे कनेक्ट करता है बॉक डेटाबेस को, एम सी कैसे होता है, ठीक है वो सारी चीज़ें, एफ सी आर, ब्रेन, स्पैरो सिमिलर है, बस वो लेयर बाय लेयर बताया है कि कैसे होता है कनेक्टिविटी। इसको आप देख सकते हो बाद में, फिर कीवर्ड जो भी है शायद इसमें लिखा है जो अपन ने डिस्कस किया है, कस इन द सेंस इधर कैश है, जब भी अपन AIB और AMB बोलते हैं राइट, तभी उसमें कस यूज होता है, विच स्टोर्स द पासवर्ड ऑफ दैट यूजर, ठीक है, बट इन हेलो मनी उसको कैश बोलते हैं, विच स्टोर्स द पिन, ये डिफरेंस है बस कस सर्विस और कैश में, के बाकी सिमिलर है सिस्टम्स जो AIB AMB में भी यूज होते हैं। ठीक है मतलब यही तो नहीं होगा USSD ये सारी चीज़ें, बट ये जो है बॉक, बैम, एफ सी आर, ई बॉक्स, एम सी, ये सारे AIB और AMB में भी यूज़ होते हैं, इसका आप देख लो पढ़ने के बाद। हाँ इसमें बस अभी ये है क्या क्या है फंक्शनैलिटी जो अपन सपोर्ट करते हैं इन हेलो मनी, तो अपन ने ऊपर ऊपर से देखा है चेंज पिन ये सारी चीज़ें, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो क्या क्या है फंक्शनैलिटी, बहुत सारे वैसे तो। फिर ये नेटवर्क का है आर्किटेक्चर, इसका आपको पढ़ लो चाहे मतलब पढ़ लेना इसको, इसके ऊपर अपने पास भी ज़्यादा मेरे पास मतलब है नहीं बोलने के लिए, इधर बस देख कर ही अपन को समझेगा नेट नेट के मतलब क्या होता है एट नेटवर्क लेवल, क्योंकि उसके ऊपर अपन ज़्यादा चेंजेस या फिर काम नहीं करते हैं, जो है प्री डिफाइंड है वो ही यूज़ करते हैं नेटवर्क लेवल के जो है। शॉर्ट कोड से जैसे इधर स्क्रीन दिखता है देखो, यू ऑन हेलो मनी एक्चुअल फोन पर उसका स्क्रीन शॉट्स लगाया है इधर, ठीक है तो वैसे दिखता है, और सिमिलरली जो सिमुलेट करना है ऑन हेलो मनी वो अपना सिमुलेटर काम करता है, ठीक है तो इट्स जस्ट द सेम थिंग, तो इसमें कैसे दिखता है उसके स्क्रीन शॉट्स है ये, ठीक है ये आप वो देख सकते हो हर एक इसके लिए, मतलब से फॉर एग्जाम्पल आपको पिन एंटर किया और आपको चेक करना है कि आपके पास कितना है बैलेंस, तो जो आप जब भी आप सिलेक्ट करते हो आपका अकाउंट नंबर, तो आपको दिखता है कि ऐसा ऐसा है कर बैलेंस, लॉग इन स्क्रीन का ये देखो आपने सिलेक्ट किया बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है आपने इधर 1 एंटर किया तो आपको अकाउंट लिस्ट आएगा, जी आएगा आपको एफ सी आर से, एफ सी आर या ई बॉक्स से आएगा, ठीक है जैसे मैंने बोला था आपका सेविंग्स या करंट अकाउंट रहेगा राइट, उसका इन्फॉर्मेशन उधर से आता है तो वो लिस्ट कर देगा, एंड देन अगेन आप जो भी सिलेक्ट करते हो 1 और 2 उसके बेसिस पर आपको ये दिखाई देगा, जो भी बैलेंस इंक्वायरी के लिए आपको मतलब जो भी बैलेंस है आपका वो दिखेगा, तो ऐसे स्क्रीन आपको दिखते हैं हर एक टाइप ऑफ
ट्रांजेक्शन फ्लो में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बिल पेमेंट्स के लिए बताया रहेगा इधर, बिल अमाउंट एंटर करो, ये सारी चीज़ें आप एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं शेयर करता हूँ बाकी लोगों के साथ भी, वही है। फिर ये जो मैंने फ्लो बताया था ना कि क्या क्या कैसे होता है, वाया बैम होता है हर चीज़ें, जैसे अगर आपने शॉर्टकट डायल किया तो वो शॉर्टकट डायल करने से लेकर आपको जो स्क्रीन दिखता है, ये वाला स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन जो दिखता है, टिल दैट मोमेंट कौन से कॉल्स होते हैं इंटरनली, ठीक है, तो वो बैम से पहले एम सी को जाके चेक करने के लिए बोलता है कि आपके पास इसका है क्या, यू यूज़र का इन्फॉर्मेशन, वेदर इज़ अ हेलो मनी यूज़र ऑन। फिर उसके बाद कैश को कॉल होता है कि टू चेक इसकी पिन की एंट्री है या नहीं, ठीक है। फिर अगर ये सब सही रहेगा, ऑल दिस सिनेरियोस आर सक्सेस, उसके बेस के ऊपर आपको ये वाला स्क्रीन दिखाई देता है, ठीक है, ये है। तो वो हर एक चीज़ के लिए मतलब शायद से इधर दिया रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, फर्स्ट वेन यू डायल इन योर शॉर्ट कोड, फिर जब आप करने जाते हो पिन वेरीफाई, वेन यू एंटर योर पिन, राइट, उसके बाद कॉल्स क्या होता है, टेल यू सी अ स्क्रीन ऑन योर हेलो मनी, ठीक है, तो वो एस एच एम टू बैम MC cash, क्या क्या कॉल्स होते हैं, सर्विस कॉल्स के नाम क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन इधर दिए, तो आप ये गो थ्रू कर सकते हो कौन से सर्विस कॉल्स होते हैं, वही है मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या क्या होता है। फंड ट्रांसफर टू ओन बार्कलेस में जैसे बोल रहा था, राइट, कि वो एफ सी आर पर जाकर पोस्ट होता है, राइट, तो वो एफ सी आर पे करेगा कुछ तो सर्विस कॉल जो बैंक कॉल करते रहेगा, यही है। क्या अलावा तो ये नेटवर्क लेवल का है, ये इंफ्रा लेवल के है, ये चेंज हो गए, ठीक है, ये बहुत पुराना डॉक है, अभी अपन तो क्लाउड मतलब इसके ऊपर मूव किया है, अपने पास फिजिकल सिस्टम्स है नहीं जो अपन होस्ट करते हैं, इट्स एट ओपन शिफ्ट लेवल, ठीक है, तो ये थोड़ा पुराना डॉक है, तो फॉर इंफ्रा लेवल इंफॉर्मेशन इसमें तो नहीं, इसमें से तो मत पढ़ो, सिक्योरिटी ये सब इतना जानने की ज़रूरत तो नहीं है, बट हाँ कि ये पता होना चाहिए कि यूएसएसडी होता है गेटवे जो अपन यूज़ करते हैं, यूएसएसडी शॉर्ट कोड। आई थिंक सिद्धार्थ तेरे लिए ज़रूरी है, सिद्धार्थ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरे को एंड अगर श्रीकांत है कॉल पे अभी तो, राइट, बिकॉज वॉट आई नीड, राइट, what new people should know in and out of hello money. Siddharth, tere to abhi discussion bhi hua Kenya project ke liye MNO related bhi, login related. Yes Deepak, theek hai na, to you are right fit to understand everything out of this document, kyunki tera matlab wahi ek cheez aisi thi jo logo ko nahi pata thi, and as part of Kenya project you get to know about that as well. Yes Deepak, बाकी तो वैसी फीचर्स हैं, राइट, बैम वाली फीचर्स हैं सब, करेक्ट, ये वो कोड लेवल पर है, ठीक है, टेक्निकल आर्किटेक्चर, तो हर एक क्लास का क्या है सिग्निफिकेंस उसके बारे में है, ये अगर किसी को कोड लेवल पर देखना है तो वो देखकर पर ये देख चेक कर सकता है, इसका शायद ये करेगा मितेश अरेंज केटी, तो आफ्टर दैट यू कैन यू नो चेक दिस की जो बोला है वो क्या करते हैं एक्चुअल में, ये है सब इधर तक। तो उसके बाद हाँ टेबल्स के बारे में है इधर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये कवर करना है क्या दीपक टेबल्स के लिए यार, ये करना है नॉट टुडे, किसी और दिन ना, क्योंकि ये गायत्री को मैंने ऑलरेडी ये एक रिस्पांसिबिलिटी दी थी टू अंडरस्टैंड द टेबल्स, सो इट्स गुड यू हैव समथिंग ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड, राइट, ठीक है, फिर इसके लिए अलग अलग बोलता हूँ मितेश को रखने के लिए टेबल्स के, क्योंकि इसके इसको टाइम जाएगा थोड़ा समझने के लिए कौन सा टेबल में क्या है क्यों है, टेबल्स में मतलब नेम स्पेसिफिक ही है बट एक्चुअल में क्या क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, ये सिंक जॉब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो तो अभी थोड़ा चेंज हो गया है, ये सर्वर नेम्स ये सब चेंज हो गया है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं, इसमें भी अभी ये सारे थोड़ा पुराने हो गए, सब अब ने माइग्रेट किया है यार, ये मोरलेस तो तुम अखिलेश के साथ शेयर करो, मैं अखिलेश को बोलता हूँ इस डॉक्यूमेंट को अपडेट कराए,
हाँ ठीक है चलेगा, मेल बेस वगैरह ऐसा जो भी है इट शुड बी अपडेटेड एज पर न्यू जेडीके चेंजेस ना, राइट, इंफ्रा लेवल चेंजेस जो है ना वो चेंज करने पड़ेंगे इसमें। ये डॉक्यूमेंट तुम्हें मिला था नाइजल विशाल से या क्या हिस्ट्री है इस डॉक्यूमेंट की? हाँ जब आए थे ना तभी हम लोग को ये दिया था विशाल इताली, उन्होंने इसको ही बोला था रेफर करने के लिए पहले, बट पुराना है, पर ये भी मतलब 2015-16 का लग रहा है ना, 18 है ट्रांजिशन के टाइम का हो गया ना ये, जब हम बाकलेस से इधर आए आरटीआई तब का है ये डॉक्यूमेंट। हाँ ये तब का है, वेरी गुड डॉक्यूमेंट, एट लीस्ट इट एंटेल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। और किन को भेजना है? अनुष्का है और कौन है? गायत्री अवले और अमिया बलियार सिंह। गायत्री तरी आई डाल आई और फिर यवले वाई ओ एल ई। यही है ना फोन है क्या? हाँ यही है, खैतून एलटीआई पे नेटवर्क पे एप्सा नेटवर्क पे है इस पे पर एप्सा पर। गायत्री तुम्हारा आ गया है ना एप्सा आईडी या नहीं आया है? हाँ ये आ गया है सर, ये है ना, यही आईडी आई है कुछ और आई है? नहीं यही है सर। अमिया बलियार सिंह ए एम आई वाई ए आई आई ए एम आई वाई ए और डॉट बी ए एल आई बाली कर दे, वो कंट्रोल के कर दे यार आ जाएगा खुद। क्या हुआ रे आम्या क्यों नहीं आ रहा है? पूरा डाल ले भाई, बाली बलियाल सिंह वाई ए आर बी ए एल आई वाई ए आर ए आर वाई ए आर वाई आर ओके सॉरी एस आई एन जी एच। और कौन है? अजय हुंडिया को मतलब कर लेंगे लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे आई थिंक इट्स एनफ। क्या लगता है वो डॉक्यूमेंट देखने के बाद तो केटी सेशंस की जरूरत भी नहीं है सच एप्लीकेशन केटी की, तो ये डॉक्यूमेंट इज सफिशिएंट। एक बार केटी हो जाए ना तो एक बार और एक करेंगे ना रिफर तो वो समझ में आएगा पूरा, एटलीस्ट जितना तक अपन ने समझाया आर्किटेक्चर लेवल पर। ठीक है ठीक है, आई थिंक मितेश तुम तो अपना प्रोजेक्ट केटी ही शुरू रखो पीयूष के साथ है ना, वीजा डायरेक्ट का पहले टू स्टार्ट विद वीजा डायरेक्ट एंड फिर आगे और जो चीजें आएंगी वो देखेंगे। So you're saying me to like ये session रहने देते हैं और like अलग से मैं session लूँ क्या पीयूष के साथ? You're saying जो तेरा visa direct का session है मुझे लगता है उसमें वो code level पे रहेगा या उसमें भी कुछ feature level या functional रहेगा? नहीं मतलब मैं जो plan किया था ना ये sessions तो इसमें सब देने का सोचा था like अभी आपकी picture का फिर। एक बार मेरे को वो दिखाओ plan दिखाओ। मतलब ऐसा मैं कुछ डॉक्यूमेंटेड ऐसा है नहीं like you wanted a proper document or what of it? हाँ एक proper KT document, एक KT Excel में मैं चाह रहा था ना कि क्या क्या okay, task ठीक है ठीक है चलेगा, I will just send you that, I just planned it like वो मतलब मेरे इसमें मेरे डायरी में तो like I didn't plan like document नहीं बना उसके। मुझे लगता है ये document is enough for Piyush right to go through himself और तुम yes. बस उसको अभी एक वीजा डायरेक्ट का सेशन कर दो एटलीस्ट, क्योंकि वीजा डायरेक्ट का डेवलपमेंट वगैरह का जो भी एक्टिविटीज है वो उसको पिक करना है ना इमीडिएटली। ठीक है, उसके अलावा जो तुम्हें फंक्शनल के सेशंस रेडी रखने अगर हमें जरूरत है तो वो करते रहेंगे, बट फ्रॉम अ प्रोजेक्ट डिलीवरी पर्सपेक्टिव उसका सेशन जरूरी है उसका। और ये जो डायरेक्ट और बस वीजा डायरेक्ट का चाहिए कि और लाइक बैंक टू बैंक और फोन करेंगे तो सब चीजों का मितेश, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंस है इसका। ओके ठीक है चलेगा, राइट यू ऑलरेडी नो कि वो निखिल आ जाएंगे थोड़े दिन में एक दो दिन बाद के लिए दो, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो उसका पहला डिलीवरेबल है उसका दो
और बाकी चीजें विल ग्रेजुअली हैव ना, जो तू मेरे को, मैं तेरे को प्लान बनाने को बोला है जिसमें यू विल राइट इवन एनहांसमेंट्स वी डिड इन लास्ट 2 इयर्स, ठीक है ना, वो भी रहेंगी और भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे, वो कर लेंगे। बैंक टू बैंक का तो यू कैन डू विद सिद्धार्थ एनी टाइम, अगर सिद्धार्थ को ऑलरेडी नहीं पता है तो। ओके ओके ठीक है चलेगा सिद्धार्थ का पास, ठीक है, जहां डिलीवरेबल है वहां इमीडिएटली दो, और जो सिर्फ नॉलेज के लिए देना है दैट कैन बी ग्रेजुअली प्लान्ड, राइट, ऐसा आगे आगे करके। ओके ओके ठीक है चलेगा, फिर मैं करता हूं एक पीयूष का सेशन करता हूं उसके वीजा डायरेक्ट को, आई विल इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग दैट एज वेल। और ये तीन नए सिस्टम एनालिस्ट टीम में अनुष्का, गायत्री और रम्या, ठीक है ना, कुछ भी अगर लग रहा है फंक्शनल लेवल का कवर होगा तो कीप देम आल्सो इन द सेशन, दे दैट विल एनहांस देयर नॉलेज एज वेल। ओके ओके डन दीपक। सिद्धार्थ तूने वो मोजाम्बिक वाला आईए करके दे दिया क्या? दीपक मेरी बात हो गई है, वो आई की मेरे को फॉर्मेट चाहिए था, मतलब अम्मी हम मुझसे फॉर्मेट में मांग रहे थे तो आई डोंट हैव द फॉर्मेट इन व्हिच टू रिटर्न, सो वो फॉर्मेट मिल जाएगा तो आई विल सेंड इट टू मैम। ठीक है, इनके पास एक अच्छा फॉर्मेट था, मितेश नाइजल शेयर कर सकते हैं, एक वर्ड डॉक्यूमेंट जिताली बनाती थी। ओके मितेश, वो आईए वाला फॉर्मेट शेयर कर दो ना इनके साथ, सिद्धार्थ के साथ, राइट, आई थिंक सो इट इज शेयर्ड, लाइक मतलब मैंने एक आई बनाया था तभी आई थिंक सो आई हैव केप्ट सिद्धार्थ एज वेल, तो देखता हूं अगर नहीं मिलेगा ना सिद्धार्थ तो लेट मी नो, आई विल शेयर यू अगेन। हेलो सिद्धार्थ, चलो फिर ड्रॉप करते हैं, थैंक यू नाइजल अलॉट, थैंक्स अलॉट ना।